फैमिली वेलकम बैक टू द चैनल वीर की दुनिया। स्वागत करते हैं दोस्तों आप सभी का आज के हमारे इस व्लॉग में। और आज भाई को छुट्टी है ट्यूशन का, और अभी हम लोग मैं आया जस्ट घर पे फील्ड कंप्लीट करके। आज भी लेट हो गया, ठीक है, थोड़ा बहुत लेट फास्ट चलते रहता है। लंच वगैरह हो गया कंप्लीट, और भाई ने लंच भी कर लिया है और नींद भी कर ली है, तो अभी हो गए हमारे श्वेत भाई एकदम फ्रेश। और अभी हम लोग जाने वाले हैं कहीं पे, तो आप बने रहिएगा वीडियो के साथ, तो ही आपको पता चलेगा। सरप्राइज है। हाँ, ये सरप्राइज है कि हम कहाँ जाने वाले हैं, और हम जहाँ भी जाएंगे वो हम लोग आपके साथ शेयर भी करेंगे, और उस जगह का मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में मैं लोकेशन भी डाल दूंगा दोस्तों, ताकि आपको भी अगर वहाँ पे विजिट करना है तो आप भी विजिट कर सकते हैं और आप भी हमारे जैसे एंजॉय कर सकते हैं। और अभी पीछे ये जो आप आवाज़ सुन रहे हैं, तो ये मम्मी और बर्तन दोनों आपस में लड़ाई कर रहे हैं। बर्तन बोल रहे हैं कि हमें मत घिसो। मम्मी बोल रही है नहीं, मैं तुम्हें घिसूंगी। तो ये चलते रहता है। और वेदर की बात करें तो अभी ठंडी मुंबई में एकदम गायब हो गई है, अभी ठंडी है नहीं, थोड़ी बहुत गर्मी पड़ती है दोपहर के टाइम पे, गर्मी पड़ती है और धूप भी थोड़ी कड़क है। तो अभी चलिए दोस्तों मिलते हैं थोड़ा मम्मी जी से। हरिओम मम्मी। हरिओम। क्या हाल है, क्यों ये लोग को नहला रहे हो, चिल्ला रहे हैं लोग? शाम को चाहिए थे अपने को खाने के लिए। दोस्तों तभी को है ना अपने घर पे ना, अभी वो जो पहले बुजुर्ग लोग के टाइम पे वो कैसे वो पत्ते वत्ते पे खाना खाते थे, वैसे ही सिस्टम कर डालना चाहिए। तो ना रहेगा बास ना बजेगी बांसुरी, है कि नहीं? तो इसमें ही आधा महिला मंडल का तो इसमें ही 2-2 किलो वजन बढ़ जाएगा, आराम मिल जाएगा भाई। तो अभी मम्मी ठंडी खत्म हो गया क्यों? ठंडी खत्म हो गया आराम। अभी मतलब होली तक गर्मी बढ़ जाएगी क्या, कुछ ऐसा कुछ रहता है ना कि होली आने तक गर्मी बढ़ जाती है, ऐसा कुछ रहता है ना? हाँ। तो क्या रहता है थोड़ा बताओ हमारे व्यूअर को। अरे भाई गर्मी हो जाती है तो गर्मी थोड़ा दिन तक रहेगी, बाद में फिर तैयारी कर देगा भगवान। हाँ, बारिश का तो ये सब आपका और हमारा तो कुछ चलेगा नहीं, कुदरत के सारे ये सब कुदरत की माया है। तो ठंडी गर्मी बारिश सब चीज जरूरी है, सब चीज का आनंद लीजिए, हर चीज में आनंद ढूंढ लीजिए दोस्तों। आप कहीं गए हो, घूमने गए हो, वॉक करने गए हो, या घर पे बैठे हो मोबाइल पे आप देख रहे हो, वीडियो वगैरह देख रहे हो, हमारा ब्लॉग देख रहे हो, तो हर चीज में ना आनंद ढूंढ लीजिए बस, तो जिंदगी सफल हो जाएगी। तो आज के लिए इतना ही ज्ञान, और दूसरा ज्ञान आप हमारे साथ बने रहिए, हम आपको ज्ञान देते रहेंगे। तो चलिए दोस्तों अभी फटाफट से तैयारी करते हैं और निकलते हैं हम लोग हमारे लोकेशन पे जाने के लिए। तो अभी हम लोग सीधा आपसे मिलते हैं लोकेशन पे। Thank you.
गाइस हम लोग यहाँ पे आए थे टॉयज जोन में, है कि नहीं, बॉक्स जोन में, सॉरी। तो अभी हमारे साथ हैं सविता जी, तो आइए हम लोग सविता जी से हम लोग जो भी इसका डिटेल वाइज हम इनसे बात करते हैं, क्या है, कैसे है और क्या इनका कॉन्सेप्ट है। हाय गाइस, गुड इवनिंग, ग्रेट गुड इवनिंग। ये हमारा बॉक्स जोन है जिसे हम बोलते हैं एंटरटेनमेंट पार्क। इसमें एंटरटेनमेंट पार्क है, लाइव सिंगिंग परफॉर्मेंस है और फूड काउंटर है। टोटल हमारे पास 33 फूड काउंटर है एंड एक्जिबिशन है, शॉपिंग एक्जिबिशन, जिसमें टोटल 28 एक्जिबिशन है और फेस पेंटिंग है, सेल्फी पॉइंट है, हार्ट बटरफ्लाई सेल्फी पॉइंट है, स्माइली सेल्फी पॉइंट है। और जोन टोटल हमारे पास 5 जोन है, ए जोन, बी जोन एंड सी जोन, एफ जोन एंड जी जोन है। ए जोन में टोटल हमारे 5 गेम हैं जिसमें मेल्टडाउन है एंड सूमो है, मैकेनिकल बुल्स है और किड्स कार है, किड्स ट्रेन है। जोन बी है जो अनलिमिटेड है, चिल्ड्रंस के लिए है, वो एल्डर्स के लिए भी है, चिल्ड्रंस के लिए भी है, अनलिमिटेड से, और उसके चार्जेस सिर्फ मैक्सिमम 200 रुपीज़ है। आप इंजॉयमेंट कर सकते हैं एंड टोटल उसमें 26 गेम्स है। ओके, और मैडम एंट्री फी पर पर्सन कितना है? 25 पर पर्सन एंट्री फीस 25 रुपीज़ है। और अगर आपके सन जो है, डॉटर छोटे है 2 इयर्स के, तो उनके एंट्री चार्जेस नहीं है, बाकी सबके एंट्री चार्जेस है। ओके, और ये सैटरडे संडे लाइव म्यूजिक? हाँ, सैटरडे संडे आपको लाइव म्यूजिक मिलता है, कॉमेडी मिलते हैं, परेल भी होता है। और हमारा इंस्टा आईडी है, इंस्टा आईडी का नाम है बॉक्स जोन। आप प्लीज़ इंस्टा आईडी पे जाइए और फॉलो कीजिए एंड लाइक्स कीजिए एंड कमेंट कीजिए। ओके, थैंक यू सो मच सरिता मैम, आपने काफ़ी ज़्यादा अच्छे से जानकारी दी। और दोस्तों, आई होप आपको ये सारी जानकारी समझ में आ गई होगी, वरना मैं इनकी इंस्टाग्राम आईडी नीचे डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, तो आप इंस्टाग्राम पे इनको फॉलो कीजिए और एक बार यहाँ पे ज़रूर विजिट कीजिए। बहुत ही फ्रेंडली स्टाफ है और बहुत ही अच्छे से ये लोग कोऑपरेट करते हैं। तो बस दोस्तों, अभी तक के लिए इतना ही, बने रहिए आगे ब्लॉग में और देखिए आगे आगे होता है क्या। हाँ जी फैमिली, आ चुके हैं हम लोग घर पे, फुल एंजॉय किया, धमाल किया, और वीडियो मैंने पूरा नहीं डाला है। वहाँ जो मैडम ने बताया, जो सरिता मैडम जो हमें सब जानकारी दे रहे थे, उन्होंने जैसे बताया कि सैटरडे संडे वहाँ पे लाइव म्यूज़िक होता है, तो उसका पार्ट मैं कल के व्लॉग में आपको दिखाऊंगा। आज तो सिर्फ मैं आपके लिए जो भी गेम जोन थे वो मैंने, ये सारे आपने देखे ना, तो ये सारे गेम जो के जो क्लिप थे या जो सिनेमैटिक शॉट्स थे जो मैंने लिया था, तो वही मैंने डाला है। और श्वेत भाई पीछे थक के एकदम डिले डच हो गए हैं, और अभी मिलते हैं। श्वेत भाई, मज़ा आया? हाँ। फुल मज़ा आया कि थोड़ा? फुल। तो अभी मतलब सेकंड टाइम जा सकते हैं कि नहीं, एक ही बार? तो दोस्तों, काफी ज्यादा मजा आया वहां पे, और आज लगभग 12 से 15 साल बाद मैंने आज क्रिकेट भी खेला, तो काफी अच्छा वहां पे क्रिकेट का भी सेटअप था, फुटबॉल भी था, लेकिन अभी बंद था। अभी बंद था, अभी जस्ट 15 दिन हुए हैं ये गेम जोन जो है उसको ओपन होके। काफ़ी अच्छा प्लेस है, आप लोग अगर कांदीवली, मीरा रोड, भाईंदर, दहीसर रहते हैं तो आप यहाँ पे आ सकते हैं, विजिट कर सकते हैं। 25 रुपीज़ एंट्री फीस है, और उसके बाद वहाँ पे जोन वाइज टिकट है, और किड्स जोन जो है यानी कि बी जोन, तो उसका 200 रुपीज़ टिकट है। तो दोस्तों, ये सारी जानकारी मैंने भी आपको बता दी है और सरिता जी ने भी आपको बताया वीडियो के माध्यम से, और इंस्टाग्राम का वो लोग का जो आईडी है तो वो भी मैं नीचे बॉक्स जोन करके है कुछ, बॉक्स जोन मुंबई ऐसा कुछ वो लोग का ईमेल आईडी है, तो उसका भी मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल रहा हूँ। तो आप लोग दोस्तों जाइए और उनको फॉलो कीजिए और एक बार ज़रूर विजिट कीजिए। और ये कुछ है ना, इस तरह से यहाँ पे ये बेल्ट आपको हाथ में लगा के देंगे, तो अनलिमिटेड आपके बच्चे खेल सकते हैं और काफ़ी ज़्यादा मज़ा आएगा। तो अभी दोस्तों, क्या हाल है? मस्त हाल है, मजा करके आए, अभी खाना बना रही।
थोड़ा कुछ डिनर हमने बाहर किया था, डिनर मीन्स थोड़ा कुछ स्नैक्स वगैरह हमने खाया था बाहर, लेकिन खाने का काम नहीं करिया हमने, जस्ट ऐसे ही खाया था। अभी थोड़ा बहुत कुछ खा के आए हैं, थोड़ा कुछ कुछ घर पे खाएंगे। हाँ। सबसे पहले तो हरिओम, सबसे पहले हरिओम, हरिओम बोलना भूल गए, हरिओम भूल गई बाबा। तो मम्मी मजा आया आपको? बहुत मजा आया। वो भाई गाना कैसे अच्छा गा रहा था ना? मस्त गा रहा था, गाना तो गा रहा था। हाँ। और बर्गर खाया, बर्गर खाया। तो दोस्तों मैंने खाने पीने का ब्लॉग शूट नहीं किया क्योंकि बच्चे लोग बहुत ही ज्यादा थक गए थे और सबको भूख लगी थी। तो बस फिर हम लोग ने सीधा वहां से एंजॉय किया, खेले कूदे और फिर उसके बाद में सीधा हम लोग टूट पड़े स्नैक्स पे। तो बस दोस्तों ऐसा कुछ था आज का हमारा दिन। तो बस अभी व्लॉग को एंड करते हैं, काफी ज्यादा बड़ा व्लॉग हो गया है। फिर भी मैं आपको कुछ फुटेज है जो लाइव म्यूजिक का जो कॉन्सेप्ट जो उनका है तो वो मैं कल के ही पार्ट में डालूंगा। और कल हमारे श्वेत भाई जाने वाले हैं, श्वेत मॉम और डैड ये तीनों भी नहीं रहे, नहीं होंगे घर पे। और ये है कभी कभार ऐसे मम्मी कर देती है, दुश्मनी निकालती है मम्मी मेरे से, तो बर्तन वर्तन का आवाज करते रहती है। तो दोस्तों अभी ये लोग कल तीनों जाने वाले हैं कहीं पे, वो मैं आपको कल ही रिवील करूंगा कि ये लोग कहाँ जाने वाले हैं। तो कल अपन पूरा दिन घर पे रहेंगे अकेले, अकेले घर पे तो नहीं रहेंगे, ऑफिस वगैरह अपना रूटीन जो है वो कंटिन्यू है। तो बस दोस्तों अब वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं और कल फिर मिलेंगे आपको एक नई सुबह के साथ, एक नए जोश के साथ, एक नए दिन के साथ, एक नई धमाल के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, हरिओम।